नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मंगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। बीजेपी ने सीएम को दिया बागेश्वर उपचुनाव की जीत का श्रेय, मुख्यमंत्री को करेंगे सम्मानित। सिर्फ 21 साल की उम्र में शहीद हो गया उत्तराखंड का लाल, कन्नौल गांव में पसरा मातम। मुनि की रेती पीडब्ल्यूडी तिराहे पर पलटा ट्रक, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। देहरादून में बाढ़ डांसर की हत्या, आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार। डेंगू की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने बनाया नया प्लान, एक ही जगह से डेंगू के 10 मामले मिलने पर बनेंगे ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी में बागेश्वर उपचुनाव की जीत का जश्न जारी है। बीजेपी ने इस जीत का श्रेय जनता के समर्थन के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी दिया है। बीजेपी सीएम धामी को सम्मानित करने के लिए समारोह आयोजित करेगी। पहले ये कार्यक्रम सोमवार शाम 4 बजे सुभाष रोड स्थित एक सभागार में होना था, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते इसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और जल्द ही अगले 1-2 दिन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर खंड के कन्नौल गांव निवासी खिलाफ सिंह नेगी रविवार रात शहीद हो गए। उनका 1 माह से लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। 2021 में सेना में भर्ती हुए खिलाफ सिंह नेगी के शहीद होने की खबर जैसे ही गांव में आई, वैसे ही पूरा गांव सदमे में डूब गया। बेहद कम उम्र में खिलाफ सिंह नेगी का चले जाना पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ी क्षति है। मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत भद्रकाली से आते समय पीडब्ल्यूडी तिराहे पर एक ट्रक ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि घटना सुबह 4 बजे की थी, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रक में मौजूद ड्राइवर और कंडक्टर भी सुरक्षित हैं। ट्रक को क्रेन से सीधा कर सड़क से हटाया गया। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में रविवार को मिले युवती के शव की शिनाख्त बार डांसर के रूप में हुई है। युवती की हत्या के आरोप में पुलिस ने लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार किया है, जो कि वर्तमान में क्लेमेंट टाउन में तैनात है। जानकारी के मुताबिक युवती बार बार लेफ्टिनेंट कर्नल से पत्नी का दर्जा मांग रही थी, जिससे परेशान होकर पहले उसकी हत्या की योजना बनाई गई और फिर सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उत्तराखंड में डेंगू का कहर जारी है। रोज बड़ी तादाद में नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग के माथे पर शिकन की लकीर खिंच गई है। ऐसे में डेंगू की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने अब नया प्लान तैयार किया है। रणनीति के मुताबिक एक ही जगह से डेंगू के 10 से अधिक मरीज मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाएंगे, जहां पर प्रत्येक घर में लार्वा नष्ट करने के लिए सफाई अभियान के साथ फॉगिंग की जाएगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में ग्रेजुएशन व पीजी दाखिलों के लिए CUET से छूट का नियम केवल इस साल के लिए लागू होगा, इसे भविष्य में नजीर नहीं माना जाएगा। गढ़वाल विवि UGC से SOP जारी होने के बाद खाली पड़ी सीटों को 12वीं के अंकों से भरने का विज्ञापन भी जारी करेगा। यह स्पष्ट निर्णय लिया गया है कि भविष्य में केवल CUET देने वाले छात्रों को ही विवि व इसके संबद्ध कॉलेजों में दाखिला मिल पाएगा। विश्व प्रसिद्ध चारधाम विश्वमार केदारनाथ धाम की यात्रा जारी है। अभी तक 12,65,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। अभी तक केदारनाथ धाम की यात्रा में आए 96 यात्रियों की जान जा चुकी है। ज्यादातर यात्रियों की मौत हार्ट अटैक और ठंड लगने से हुई है। मसूरी में श्री सनातन धर्म मंदिर सभा ने श्री कृष्ण की डोली धूमधाम से निकाली। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। पहाड़ों की रानी मसूरी में पिछले 165 सालों से लगातार कन्हैया की डोली निकाली जा रही है। इस मौके पर जौनपुर, जौनसार, टीरी, देहरादून आदि क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कन्हैया की डोली देखने पहुंचे। G20 समिट में भारत आए विदेशी मेहमानों को एक खास पुस्तक भेंट की गई। इस पुस्तक में दून के प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर को भी स्थान मिला है। पुस्तक में 40 नंबर के पेज पर टपकेश्वर महादेव मंदिर को स्थान दिया गया। इसमें टपकेश्वर महादेव मंदिर के चित्र के साथ ही मंदिर का नाम और इसके रहस्य के बारे में लिखा हुआ है। धर्म नगरी हरिद्वार एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी है। आज एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में जुटी है। साथ ही आपसी रंजिश के चलते हत्या की बात सामने आ रही है। वहीं पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरा में कैद हो गई। मृतक उस समय होटल में सो रहा था। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।